चलिए यहाँ ध्यान दे, हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं आज? हम लोग पढ़े क्लास टेंथ का बायोलॉजी चैप्टर 3 पूरा पढ़ लिए थे, पढ़ लिया ना। चैप्टर 3 का नाम क्या था? परिवहन। क्या था? परिवहन। परिवहन पूरा पढ़ लिया। ऐसा करेंगे क्वेश्चन आंसर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं, बताए तुम लोग को ठीक है, आपसे करवा चुके हैं, लेकिन तुम लोग को नहीं बताए हैं तो तुम लोग को बता देते हैं ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे ठीक है। उसके पहले बता देना चाहते हैं ये लोग को कि मेरा एक चैनल है जगदेव ब्लॉग, जगदेव ब्लॉग है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरा फोटो देख के करना है ठीक है ना। और तुम लोग को मेरा पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्ले लिस्ट को मेरा फोटो पर क्लिक कर और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा, पूरा मिल जाएगा। ए सब किताब निकल, बगल में देख, बगल बगल में देख। और तुम लोग भी किताब निकाल लो। चैप्टर 3 परिवहन के क्वेश्चन आंसर ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? एक कोशिकीय शैवाल में, तुम कहो कौन दुनिया में, हाँ बना देख। अरे दादा इधर चार तो इतना लोग है, एक ही किताब है। और तुम लोग की करता है घर में? अरे बंदा इधर एक मिनट, अरे पीछे चल, पीछे चल। चलिए ध्यान दे, क्या है पहला क्वेश्चन क्या है? एक कोशिकीय शैवाल में, एक कोशिकीय जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन तो बताए थे। एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय जितना भी जीव है सब में जल का परिवहन कैसे होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन कैसे होता है? तो विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि बताए थे ना, विसरण विधि द्वारा परिवहन होता है। चाहे वो एक कोशिकीय पौधा में, चाहे वो युगलिना हो या क्लेमाइडोमोनस हो या शैवाल हो, सब में परिवहन कैसे होता है? विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा बता दिए थे ना। विसरण विधि द्वारा बताए थे क्या? कम भाग से अधिक भाग की ओर बहाना विसरण कहलाता है, और ये शरीर के किसी भाग से अंदर चल जाएगा, कोई भी भाग से बाहर निकल जाएगा। फिर दो नंबर क्वेश्चन देख, पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है, तो बोल रहा है पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण कौन दिखाता है? बताया पानी, पानी को बोलते हैं जल, पानी को क्या बोलते हैं? पानी को ही जल बोलते हैं ना। तो जो से जल, जो से जाइलम, बताए थे कि इसका आंसर क्या होगा? जाइलम नलिकाओं द्वारा, क्या होगा? जाइलम नलिकाओं। तो पूछेगा जल का परिवहन, जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल, जो से। तुम लोग किताब निकाल लो, किताब का नाम है भारती, अथी भारती भवन है ठीक है ना, जीव विज्ञान है, हाई स्कूल जीव विज्ञान भारती भवन। तो क्या आ जाएगा इस समय? पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा, जाइलम नलिकाओं द्वारा। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? यानी पौधा में जो खाद्य पदार्थ जाता है वो किस रूप में जाता है? तो सुक्रोज के रूप में। किसे आता है? सुक्रोज के रूप में। किसे आता है? सुक्रोज के रूप में। हम लोग में क्या? ग्लूकोज के रूप में। हम लोग में ग्लूकोज के रूप में, पेड़ पौधा में सुक्रोज के रूप में ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो बताए थे फ्लोएम, तुम लोग बताए थे फ्लोएम जो है किसका स्थानांतरण करता है? तो बताए थे फ्लोएम जो है भोजन का स्थानांतरण करता है, बताए थे ना। अरे जो से जाइलम, जो से जल, तो बताए थे जाइलम जो है जल को ले जाता है, तो फ्लोएम किसको ले जाता है? भोजन को ले जाता है, ये बताए थे ना। तो फ्लोएम किसको, किसका परिवहन करता है? तो भोजन का। किसे करता है? भोजन बोले तो खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। तो खाद्य पदार्थ कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। अब पत्ती में जब भोजन बनेगा तो उसको भोजन को कहाँ चाहिए? जड़ को भी चाहिए, ऊपर जो तना है उसको भी चाहिए। तो भोजन का परिवहन हर दिशा में होगा, यानी ऊपर नीचे दोनों होगा। तो लिखना है दो दिशा में, क्या बताए थे? यानी भोजन का परिवहन जो है दो दिशा में होता है, क्या होता है? यानी ऊपर और नीचे दोनों होता है, ऊपर और नीचे। जबकि जल का परिवहन कहाँ, किधर होता है? हमेशा ऊपर की ओर, हमेशा। क्योंकि जल तो मिट्टी में होता है, तो मिट्टी से जल को कौन ग्रहण करता है? जड़ ग्रहण करता है। और जड़ के जब ग्रहण कर लेता है जल को, तो फिर जाइलम उत्तक के द्वारा कहाँ लेता है? ऊपर। कहाँ लेता है? तो जल का परिवहन हमेशा ऊपर की ओर, लेकिन फिर भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक द्वारा ऊपर नीचे, यानी दो दिशा। बताए थे तुम लोग को। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल तथा घुलनशील लवण का मूल लोम से पत्तियों तक पहुँचाने वाले किस उत्तर? तो देखो जल के बारे में पूछ रहा है ना, जल के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो जो से जल, जो से जाइलम उत्तक, क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो दिखता है? सिंपल बात बताओ, लाल क्यों लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या दिखता है? लाल दिखता है। और पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण नहीं बताए थे? और मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के। फिर तुम लोग को बताए थे हीमोग्लोबिन में कौन तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। फिर बताए थे तुम लोग को क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, बताए थे, याद है तुम लोग को? अगला बता, 7 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, शुद्ध रक्त किसे बोलते हैं? जो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो शुद्ध रक्त कहाँ होता है? हृदय से जाता है, कहाँ? पूरा शरीर में। कहाँ जाता है? तो बोल रहा है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? क्योंकि शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? धमनी। कौन ले जाता है?
शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, तुमको पढ़ाए थे ना, तो धमनी में बहता है शुद्ध रक्त और सीरा में बहता है अशुद्ध रक्त, बताए थे। तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है, धमनी में, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, सीरा में, लेकिन लगा देंगे फुफ्फूस, क्या लगा देंगे, तो बोलेगा कि धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पूछेंगे फुफ्फूस धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है, पूछेंगे सीरा में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त बन बहता है, सीरा में कैसा रक्त बहता है, सीरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त कैसा बहता है, लेकिन पूछेंगे फुफ्फूस सीरा में कैसा रक्त बहता है, तो जाएगा शुद्ध, क्या हो जाएगा, समझ लो आया, तो यहाँ आ जाएगा धमनी, क्या हो जाएगा, बोला हृदय के व्यस्मों का शिथिलन, शिथिलन मतलब समझ रहा है ना, फैलना, शिथिलन मतलब तो फैलना को क्या कहते हैं, सिस्टोल की डायस्टोल, डायस्टोल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हृदय के व्यस्म का फैलना क्या कहलाता है, डायस्टोल, सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोल, बताए थे ना, बताए थे सिकुड़ना सिस्टोल, फैलना डायस्टोल, बताए थे सिस्टोल 120 होता है, डायस्टोल 80 होता है, तो किसी भी मनुष्य का ब्लड प्रेशर रक्तदाब कितना होता है, 120/80, और रक्तदाब को मापने वाला यंत्र को यानी मशीन को क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, पढ़ाए थे सर तुम लोग को। अगला क्वेश्चन देख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की, बोला जाइलम में, जाइलम में पाई जाने वाली, तो तुम लोग को बताया था जाइलम में पाया जाता है जो पाइप होता है ना, जाइलम जो जल को ले आने वाला, तो जो जल को ले आने वाला होता है उस पाइप को क्या बोलते हैं, उस पाइप को बोलते हैं वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, बताए थे, तो पूछेगा वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ किसने पाया जाता है, तो बोलना जाइलम में, अब फलोए में कौन पाया जाता है, तो फलोए में कोई यानी खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ में जैसे आटा हो गया, तो आटा क्या कहते हैं, चालते हैं ना, तो बताया था फलोए में पाया था चालनी नाली का, क्या पाया जाता है, तो जाइलम में पाया जाता है क्या, वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, और फलोए में क्या पाया जाता है, चालनी नालिकाएँ, कौन सी पाया जाता है, चालनी नालिकाएँ, तो यहाँ बोला जाइलम के बारे में पूछ रहा है, तो जाइलम में पाए जाने वाले वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, एक जगह बुलाएगा वाहिकाएँ, एक जगह बुलाएगा वाहिनिकाएँ, मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होता है, समझ आ गया तुम लोग को। अगला नंबर क्वेश्चन, क्या है, दो नंबर, चालनी नालिकाओं के जीव द्रव के बीच क्या होता है, चालनी में, अच्छा चलो चलनी देखा है, तो चलनी में क्या होता है, छेदना होता है, यहाँ लिख देना छिद्र, क्या लिख देना, तो चालनी नालिकाओं के जीव द्रव के बीच छिद्र के द्वारा संबंध स्थापित होता है, किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है, छिद्र के द्वारा, और चालनी नालिका किसे पाया जाता है, तो फलोएम ऊतक में, किसे पाया जाता है, अब फलोएम ऊतक क्या करता है, तो भोजन को ले जाता है, खाद्य पदार्थ को ले जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, मृदा से जल का अवशोषण द्वारा होता है, तो मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो मूलरोम के द्वारा ना होता है ना, तो मृदा मतलब मिट्टी, और मिट्टी से जल का अवशोषण कौन करता है, तो जड़ में पाए जाने वाले मूलरोम, जल में पाए जाने वाला, तो यहाँ होगा मूलरोम, क्या होगा, फिर भी क्या है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में जल का लगातार अवशोषण, जल का लगातार यानी जल कितना पिएगा पौधा, किस पर डिपेंड करेगा, कितना पानी निकालेगा उस पर डिपेंड करेगा, तो पौधे से पानी को निकालना, पौधे से पानी का क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, क्या कहलाता है, तो यहाँ लिखाएगा क्या, वाष्पोत्सर्जन, क्या लिखाएगा, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, दायां और बायां निलय, दायां और बायां एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से, तुम लोग को हम हृदय बताए थे ना, हृदय में पढ़ाए थे, लो मिटाने वाला, मिटाने वाला, यहाँ जान दे, तुम लोग को हम हृदय बताए थे, इस तरह बताए थे ना, हृदय बताए थे, बताए थे क्या, कि इधर इधर वाला जो भाग है ये इधर वाला भाग कहलाता है दायां, क्या कहलाता है, दायां क्यों कहलाता है, क्योंकि देखो इधर मेरा दायां हाथ, इधर खड़ा हो गया, इधर क्या है बायां, क्या है, इधर वाला भाग बताए थे दायां, इधर बताए थे बायां, क्या बताए थे, ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला ओ से ऊपर होता है, लेकिन हम बोल रहे ओ से ऊपर, ओ से अलिंद, ओ से ऊपर, ओ से अनो से नीलय, नो से, फिर बताए थे इस वगैरह, बताए थे ना, बताए थे, तो बताए थे ऊपर अलिंद, ऊपर नीचे नीलय, नीचे ऊपर अलिंद, नीचे, तो ये क्या हो गया अलिंद, क्या हो गया, लेकिन ये कौन कौन सा है, दायां साइड है, इसको बोलेंगे दायां अलिंद, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोले थे नीलय अथी अलिंद, क्या बोले थे, क्योंकि ऊपर अलिंद नहीं होता है, लेकिन ये बायां साइड है, इसको क्या बोलेंगे, बायां अलिंद, क्या बोलेंगे, नीचे नीलय, नीचे
तो ये हो गया नीला, ये क्या हो गया? लेकिन कौन सा साइड है? दायां साइड है, जिसको बोलेंगे दायां नीले। क्या बोलेंगे? ये क्या है? नीला है। क्या है? नीला है। लेकिन कौन सा साइड है? बायां साइड है, जिसको बोलेंगे बायां नीला है। बायां नीला है, यही बताए थे ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या? यहाँ बोल रहा है दायां और बायां नीला है, दायां नीला है और बायां नीला है। कौन अलग कर रहा है? ये नहीं अलग कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दायां, यहाँ ध्यान दे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? दायां और यहाँ अंतर कर रहा है ना, पहले यहाँ ध्यान दे समझ तुम लोग। दायां नीले बायां नीले को अलग कर रहा है, दायां नीले बायां नीले को कौन अलग कर रहा है? ये वाला अलग कर रहा है ना। तो अंतर कर रहा, अलग को बोलते हैं अंतर। क्या बोलते हैं? अंतर कर रहा, तो उसको बोलेंगे अंतरा। क्या बोलेंगे? किसको अंतर कर रहा है? तो नीले को अंतर कर रहा है। किसको कर रहा है? तो बोलेंगे अंतरा नीलय, नीलय को अलग कर रहा है ना। तो अंतरा नीलय भित्ति, अंतरा नीलय ये भित्ति किसको बोले थे? जो बीच में, इसको बोले भित्ति। क्या बोले? उसी पर पूछेगा अलिंद को अलग करने वाला कौन है? अलिंद को अलग करने वाला तो यही ना अलग कर रहा है, तो बोलेगा अंतरा। क्या बोलेंगे? किसको अलग कर रहा है? अलिंद को। किसको कर रहा है? तो बोलेंगे अलिंद। क्या बोलेंगे? और ये बीच में भित्ति है, तो बोलेंगे भित्ति। क्या बोलेंगे? इसे पढ़ाए थे तुम लोग को। तो अलिंद को अलग करने वाला अंतरा अलिंद भित्ति, और नीलय को अलग करने वाला अंतरा नीलय भित्ति। समझ आ गया तुम लोग को? तो यहाँ बोल रहा है क्या? दायां और बायां नीलय एक दूसरे से अलग होता है, तो बोलना अंतरा नीलय भित्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में, महाधमनी कहाँ निकलता है? बताए थे ना, यहाँ से निकलता है महाधमनी बायां नीलय से, और महाधमनी जो ब्लड निकलता है पूरा शरीर में जाता है, बताए थे ना। तो वही बोल रहा है कि महाधमनी और उनकी मुख्य शाखाओं से, शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? रक्त दाब। दबाव ने पूछ रहा है, तो क्या कहता है? रक्त दाब। क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। उसको ब्लड प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, ब्लड। अगला है धमनियाँ शुद्ध, धमनियाँ शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन प्लस रक्त, ऑक्सीजन प्लस धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त। जहाँ खाली वहाँ क्या भराएगा? ऑक्सीजन। बंदर किताब देखना जब पढ़ा रहा है। धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाते, सही बात है ना। तो यहाँ होगा ऑक्सीजनित रक्त। क्या होगा अगला क्वेश्चन? क्या है? नौ नंबर क्वेश्चन है उत्तक कोशिकाओं के बीच, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित क्या बनाएगा? तुमको बताया थे ना, तुमको क्या बताया था? WBC सहित, WBC रक्त प्लाज्मा को, रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? लिम्फ। क्या कहते हैं? बताए थे तुम लोग को WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लिम्फ कहते हैं, या उत्तक द्रव कहते हैं, या लसिका कहते हैं। पढ़ाए थे तो यहाँ पर क्या बनाएगा? WBC क्या बनाएगा? और तुम लोग को बताया थे क्या? फाइब्रिनोजिन रहित, फाइब्रिनोजिन बताए थे। फाइब्रिनोजिन कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन में, प्लाज्मा। तो फाइब्रिनोजिन रहित यानी प्लाज्मा प्रोटीन से, प्लाज्मा प्रोटीन से हम फाइब्रिनोजिन को हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। तो फाइब्रिन हटा दिए तो हो गया रहित। क्या हो गया? तो बोलेंगे फाइब्रिनोजिन रहित, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा प्रोटीन को सीरम कहते, बताए थे। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ होगा WBC। क्या होगा? WBC सीरम के बारे में पूछेगा, तो बोलेंगे फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा प्रोटीन को सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघुतरीय प्रश्न देख। क्या है? जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? जीवों के शरीर में जब खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के जो तंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? ना सर, श्वसन के लिए जो तंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। पाचन के लिए जो तंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। उसी प्रकार परिवहन के लिए जो तंत्र उसे क्या बोलेंगे? परिवहन तंत्र। कोई दिक्कत है? चल नेक्स्ट देख। सर्वाणु ऊतक किसे कहते हैं? सर्वाणु ऊतक तुम लोग को बताते हैं। सर्वाणु ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधा में। कहाँ पाया जाता है? बंदर वहाँ की तक कुछ देखते आए तुम, उठा फेंक देंगे उधर पहुँच जाएगा डायरेक्ट अपना छत्ता पर। सर्वाणु ऊतक किसे कहते हैं? सर्वाणु ऊतक। सर्वाणु ऊतक कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा में। कहाँ पाया जाता है? और पेड़ पौधा में सर्वाणु ऊतक जो होता है दो होता है, कितना होता है? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। बताए थे तुम लोग को। तो बोल रहे हैं सर्वाणु ऊतक किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है कि पेड़ पौधा में जल एवं खनिज लवण, जल एवं तथा खाद्य पदार्थ को स्थानांतरण के लिए जो ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वाणु ऊतक। क्या कहते हैं? सर्वाणु ऊतक कहा जाता है। कोई दिक्कत है? बोला चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? जाइलम कि फ्लोएम में, जल्दी बता। चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? जाइलम ऊतक में, एक फ्लोएम ऊतक में। तो फ्लोएम में कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। कैसे बताए थे कि फ्लोएम खाद्य पदार्थ को ले जाता है, खाद्य पदार्थ को हम चालते हैं, तो चालनी नलिकाएँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम में। कहाँ पाए जाते हैं? और जाइलम में कौन सी पाई जाती है, बता जल्दी। तो वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, तो वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ। पूछेगा कहाँ पाए जाते हैं, तो बोलना है क्या? जाइलम। कहाँ क्या बोलना है? और पूछेगा चालनी कहाँ पाया जाता है, तो
फ्लोएम कहाँ पर, नेक्स्ट नंबर वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे, तो क्या बताए थे, पेड़ पौधा के बाहरी भागों से बाहरी जल का निकलना, जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, कोई दिक्कत है। फिर स्थानांतरण किसे कहते हैं, स्थानांतरण, स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो खाद्य पदार्थ जल एवं खनिज लवण को, जल एवं खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ का एवं खाद्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, स्थानांतरण किसे कहते हैं, क्या बोल रहा है, जल एवं खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना स्थानांतरण कहलाता है, स्थानांतरण। फिर बताए थे तुम लोग को खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है, खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है किस रूप में होता है, तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पेड़ पौधा में सुक्रोज के रूप में होता है, किसमें होता है और कौन उत्तक के द्वारा होता है, तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा, किसके द्वारा होता है, बोला खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है, खनिज लवण का जब अवशोषण होता है किस रूप में होता है, तो खनिज लवण का जब अवशोषण होता है वो होता है कौन रूप में, तो विसरण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा जाइलम उत्तक के द्वारा, जाइलम उत्तक के द्वारा। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है रक्त के विभिन्न अवयव के नाम लिखे, यानी रक्त में क्या क्या पाया जाता है उसका नाम लिखना है, उसका नाम, तो रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो बताए थे तुमने रक्त में दो भाग पाया जाता है, एक होता है द्रव वाला भाग, एक होता है द्रव वाला यानी वैसा भाग जो बह जाए उसको बोलते हैं द्रव वाला भाग, और एक होता है ठोस वाला भाग, बताए थे द्रव वाला भाग को बोले थे प्लाज्मा, क्या बोले थे, और ठोस वाला भाग को तीन भाग में बांटे थे, एक RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएँ, एक WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएँ, और एक प्लेटलेट्स जिसको बोले थे, जिसको क्या बोले थे, प्लेटलेट्स को ही बोले थे रक्त पट्टिकाणु, क्या बोले थे, या उसी को बोले थे थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोले थे, तो लिख देना है, तो बोला रक्त के विभिन्न अवयव के नाम लिखे थे, लिख देना है प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देख, बोला रक्त परिसंचलन तंत्र के, रक्त परिसंचलन तंत्र के तीन प्रमुख अवयव के नाम लिखे, यानी वैसा अवयव के नाम लिखो जिससे होकर रक्त क्या होता है, बहता है, क्या होता है, यानी ये रक्त परिवहन तंत्र का तीन नाम बताना है, कितना नाम बताना है, तीन नाम बताना है, तो रक्त को बहाने में कौन कौन मदद करता है, तीन को मदद करता है, बताए थे तुम लोग को, एक होता है हृदय, क्या होता है, तो तीन अंग के नाम बताना है, क्या होता है हृदय, क्या होता है हृदय, कैसे काम करता है, तो केंद्रीय पंप की तरह, यानी क्या करता है, मोटर की तरह काम करता है, ये रक्त को लाता है, उसे कहता है धक्का मारता है, पूरा शरीर में चलता है, बताए थे, एक हो गया हृदय, क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, रक्त क्या हो गया, रक्त क्या हो गया, और तीसरा रक्त के बहाने वाला पाइप, तो रक्त के बहाने वाला पाइप को बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ, क्या बोलते हैं, बताए थे तुम लोग को, तो यही तीनों मिलके ना किसका निर्माण करता है, तो परिवहन तंत्र का या परिसंचरण तंत्र का, तो इसका ये तीनों का नाम लिख देना है, समझ आ गया, तुम लोग को पढ़ाया थे नहीं शब्द। नेक्स्ट ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना है, बंदर जो तेरा, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, रक्त किस प्रकार का, रक्त कैसा उत्तक है, रक्त है तरल, तरल मतलब बहाने वाला, तरल मतलब तरल और पूरा शरीर को जोड़ता है, तो तरल संयोजी उत्तक, कैसा उत्तक है, तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है, कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 कितना है, बोला लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तुम लोग बताए थे ना कि लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, किसी का भी निर्माण पूछे थे कहाँ होता है, अस्थि में जो बीच में जो खोल होता है ना, तो वहीं होता है ना, उसको बोले थे अस्थि मज्जा, क्या बोले थे, अस्थि मज्जा, बताते हैं जब तुम लोग पाठा खाता था क्या होता है, बीच वाला जो भाग चूसता है ना उसी को बोलता है अस्थि मज्जा, हड्डी के बीच वाला भाग नहीं चूसता है उसे क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, तो वहीं पर बनता है कौन, RBC WBC, RBC और WBC, क्या हुआ अंदर ज़्यादा चूस लिया तुमकी, फिर यहाँ ध्यान दे। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा आवाज़ थोड़ा भारी भारी लग रहा है, चल यहाँ ध्यान दे, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है, बताना है कि देखा देखा क्या छड़ी कहाँ है मेरा, लाल वाला छड़ी है, मनुष्य बताया था क्या, एक RBC होता है, एक WBC होता है और एक प्लेटलेट्स होता है ना, तो बोल रहा है कि यहाँ RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएँ और WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएँ में दोनों में से कम कौन होता है, बता कौन कौन होता है, लाल कम होता है कि श्वेत कम होता है, सबसे कम कौन होता है, श्वेत कौन होता है, तो श्वेत वाला सबसे कम होता है, बताया था ना, श्वेत को क्या बोले थे, बॉडी गार्ड, क्या बोले थे, तो वो 3 से 4 दिन में मर जाता है ना, इसलिए वो क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, सबसे कम होता है, बताए थे, तो सबसे कम पूछ रहे थे होगा WBC, सबसे ज़्यादा पूछता तो क्या होता है, RBC यानी लाल वाला, ठीक है ना, रक्त लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण,
पेड़ पौधा के पत्ती हरा क्या देता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हरित वर्णक। क्या बोलते हैं? हरित वर्णक। आगे, मनुष्य के हृदय में चार कौन कौन सा व्यस्म होता है? तो बताए थे ना कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें चार को व्यस्म होता है। व्यस्म को बोलते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो मनुष्य के हृदय में चार चैम्बर होता है। कितना होता है? चार। एक क्या होता है? दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, एक दायां नीलय, एक बायां नीलय। यही होता है ना। तो चार चैम्बर कितना होता है? और मेढक में कितना होता है? तीन चैम्बर। कितना होता है? और मछली में कितना होता है? दो चैम्बर। और रेप्टिलिया, रेप्टिलिया वो समझता है ना, रेंग का चलने वाला जीव, रेंग का चलने वाला, उसमें कितना होता है? उसमें तीन होता है। कितना होता है? और मैमेलिया बोले तो वैसा जीव जो बच्चों को अपना दूध पिलाता हो, जैसे मनुष्य भी आता है किसमें आता है? मैमेलिया। किसमें आता है? तो मैमेलिया में कितना? चार। कितना? अगला बार, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, शरीर के सभी भागों से, शरीर के सभी अशुद्ध रक्त किसको लेकर आ रहा है? अशुद्ध रक्त किसको लेकर आ रहा है? अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ। देखिए यहाँ पर, हृदय के दाएं अलिंद में, हृदय के दाएं दाया अलिंद यही है ना, इसमें जो रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से खून को लेकर आता है, पूरा शरीर से खून को जो लेकर आता है, यहाँ पर दो को बताए थे पाइप होता है, बताए थे तुम लोग को दो पाइप होता है, तुमको बताए थे तो दोनों पाइप का क्या नाम है? तो बताए थे वो अग्र महाशिरा, एगो बताए थे पच महा, तो बोल देना है महाशिरा। क्या बोलना है? एगो बोलना है अग्र महाशिरा, एगो बोलना है पच महाशिरा। बताए थे ना दया अलिंद में ले आने वाले जो वाहिनियाँ होता है उसको बोलते हैं, वो आगे वाला को अग्र महाशिरा और पीछे वाला को पच महाशिरा। चित्र तुम लोग को याद आ रहा है दिमाग में? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है मेरा, हृदय के बाएं अलिंद नीले छिद्र पर, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? बाएं, क्या बोल रहा है? बाएं, यही है ना, बाएं यही है ना, तो बायां अलिंद नीलय, अलिंद नीलय छिद्र, तो यहाँ पर छेद है, इसी से ना यहाँ आएगा, तो छेद कहाँ है? यहाँ पर, कहाँ पर है? तो यहाँ बताते हैं कपाट होता है। क्या होता है? दरवाजा होता है। क्या होता है? जो क्या कहता है, खून को यहाँ से यहाँ आने देता है, यहाँ से यहाँ आने, बताए थे दरवाजा को बोलते हैं कपाट। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर जो कपाट होता है, होता है दूध दलिए। क्या होता है? तो बोलेंगे दूध दलिए कपाट। क्या बोलेंगे? और यहाँ पूछा तो क्या बोलते हैं? त्रिदलिए कपाट। क्या बोलते हैं? तो दायां अलिंद से दायां नीलय में जो छेद होता है उसको बोलते हैं त्रिदलिए कपाट, और बायां अलिंद से बायां नीलय में जो जाने वाला छेद होता है उसको बोलते हैं द्विदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? समझ तो लोग आ गया, तो यहाँ का द्विदलीय कपाट क्या होगा? अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फेफड़ा से शुद्ध रक्त को, फेफड़ा से बताते हैं फेफड़ा में जो रक्त शुद्ध हुआ, शुद्ध हुआ यानी क्या मिल गया? ऑक्सीजन। क्या मिल गया उसमें? ऑक्सीजन। तो शुद्ध रक्त को लाने वाले बताए थे ना, यहाँ से एक पाइप होता था, बताए थे यहाँ से एक पाइप होता था, ऊपर पाइप का नाम क्या था? उठा पटक देंगे होश में जाकर जानवर कहीं का। यहाँ पर जो पाइप होता था उस पाइप का नाम क्या था? बोला यहाँ पर क्या, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाला रक्त वाहिनी का क्या नाम है? जब उठा पटक देंगे तो ये कौन सी है? जानवर का उठा पटक देंगे फट जाएगा तुम लोग। ये क्या रक्त को लेकर आ रहा है ना, रक्त को लेकर लेकर आने वाला बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? तो बताए थे कौन सीरा है? फुफ्फुस सीरा। बताए थे तुम लोग को? बताए थे। तो क्या होगा फुफ्फुस सीरा? क्या होगा? यानी फेफड़ा से शुद्ध रक्त को, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को बायां अलिंद में लाने वाले रक्त वाहिनियाँ को फुफ्फुस सीरा कहते हैं। फुफ्फुस तुम लोग का ही बता रहे हैं, तुम लोग को इतना मैं मारेंगे कि तुम लोग भी फुफ्फुस आदमी बन जाएगा। यहाँ ध्यान दे, अगला क्वेश्चन क्या है? हृदय के व्यस्मों का संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, संकुचन मतलब क्या कहलाता है? सिस्टोल। क्या कहलाता है? नहीं बताए थे हृदय के व्यस्मों को सिकुड़ना सिस्टोल। रे इधर कौन टाइम है? कभी कभी करा तो 5:30 बजे आ जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, यानी कर इधर इधर जल्दी बट आधा खत्म हो गया। चलिए ध्यान दे, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ, कितना नंबर क्वेश्चन था? अरे हाँ, हृदय के व्यस्मों का संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, संकुचन मतलब सिस्टोल कहलाता है। क्या कहता है? और पूछा शिथिलन, पूछता तो शिथिलन मतलब फैलना, शिथिलन मतलब डायस्टोल। तो क्या होता है? सिस्टोल कितना होता है? 120। डायस्टोल कितना होता है? 80। कितना होता है? दोनों मिला हो गया 120 होटा। तो मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120 होटा। मनुष्य का रक्तदाब किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ होगा सिस्टोल। यहाँ पर क्या आंसर होगा? अगला नंबर क्वेश्चन, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे, शरीर का ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें बी ऑक्सीजनित रक्त, बी ऑक्सीजनित रक्त समझा तुम लोग, बी ऑक्सीजनित रक्त मतलब अशुद्ध रक्त, बी ऑक्सीजनित रक्त मतलब अशुद्ध रक्त, यानी उस जिसमें CO2 मिला हो, वैसा रक्त जिसमें CO2 मिला हो। तो बोला धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कैसा रक्त बहता है?
शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त बहता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वैसा धमनी का नाम बताओ जिसमें भी ऑक्सीजनित रक्त बहता है, तो बताते फुफ्फुस लगा दो, क्या लगा दो, तो फुफ्फुस धमनी क्या हो जाएगा। फिर बोल रहा शरीर का ऐसा सिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित बोले तो शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित मतलब वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला, जिसमें ऑक्सीजन यानी शुद्ध रक्त की बात कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि सिराम बता है शुद्ध रक्त, सिराम बता है, लेकिन बोल रहा वैसा सिरा का नाम बताओ जिसमें शुद्ध रक्त बहता हो, जिसमें शुद्ध रक्त तो कौन सिरा होगा, फुफ्फुस सिरा नहीं बताए थे, सिरा में अशुद्ध लेकिन लगा देंगे फुफ्फुस हो जाएगा शुद्ध, धमनी में शुद्ध लेकिन लगा देंगे फुफ्फुस हो जाएगा अशुद्ध, बताए थे ना। अगला विभिन्न सिरिकाएँ, विभिन्न सिरिकाएँ आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है, तो बताए थे क्या जब सिरिकाएँ आपस में मिलती तो बनता है सिरा, क्या मिलता है सिरा बनता है, और जब बहुत सारा सिरा मिलता है तो क्या बनता है महासिरा, क्या बनता है उसी प्रकार तुम लोग बताए थे, बहुत सारा धमनी काय मिलता है तो बनता है धमनी, क्या बनता है, और जब बहुत सारा धमनी मिलता है तो बनता है महाधमनी, क्या बनता है बताया थे, तो यहाँ जाएगा सिरा आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताए, कोशिकीय पौधे का जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है, जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा, तुम लोग को एक कोशिकीय पौधा में तीन को बताए थे, कितना बताए थे तीन को ना बताए थे, एक बताए थे क्या युगलीना, क्या बताए थे एक बताए थे क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडो जिस, और एक बताए थे क्या, एक बताए थे शैवाल, क्या बताए थे शैवाल, ये तीनों में परिवहन कैसे होता है तो विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बोरा पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाला उत्तक क्या है, तो जल का परिवहन जाइलम उत्तक, जल का परिवहन और खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम उत्तक, जल और खाद्य पदार्थ दोनों के बारे में पूछ लिया ना, तो होगा यहाँ पर बोला पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करने वाला उत्तक को क्या कहते हैं संवहन उत्तक, क्या कहते हैं संवहन उत्तक, लेकिन पूछता है संवहन उत्तक में कौन उत्तक, तो जल को ले आने वाला जाइलम उत्तक और फल को ले आने वाला फ्लोएम उत्तक, समझ आ गया ना, तो यहाँ लिखना है संवहन उत्तक, क्या लिखना। अगला नंबर क्वेश्चन है 25, जल संवहन उत्तक में पाए जाने वाले लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है, तो बोला जल संवहन उत्तक, तो जल को ले जाने वाला उत्तक को क्या कहते हैं जाइलम उत्तक, क्या कहते हैं, और जाइलम उत्तक में जो लंबा लंबा पाइप है तो क्या बोले थे, एक को बोले तो वाही का है, एक को बोले तो वाहिनी का है, बताए थे, तो यहाँ लिखना है वाही का है एवं वाहिनी का है, और फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, बताए थे ना। अगला जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी विशेष कोशिकाएं मृत होती है, तो बता तुम लोग बताए थे ना जाइलम उत्तक की कोशिका क्या होता है मरा हुआ, क्या होता है तो जाइलम उत्तक की कोशिका क्या होता है मृत, क्या होता है, लेकिन सजीव के बारे में पूछते थे किसका होता है फ्लोएम, क्या होता है, तो यहाँ होगा जाइलम, क्या हो जाएगा जाइलम। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन उत्तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ यानी भोजन का परिवहन, तो भोजन का परिवहन कौन करता है जाइलम की फ्लोएम, फ्लोएम कौन करता है फ्लोएम, और जल के बारे में पूछा तो क्या बोलते हैं जाइलम, क्या बोलते हैं, तो यहाँ हो गया फ्लोएम, यहाँ पर क्या हो गया फ्लोएम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28, क्या बोल रहा है पौधे में जल एवं खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुँचाने की क्रिया क्या कहलाती है, स्थानांतरण, क्या कहलाती है, क्योंकि जल को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले गया, खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलता है स्थानांतरण, क्या बोलते हैं स्थानांतरण। अगला नंबर क्वेश्चन है 29, रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक, बताए थे रक्त क्या है तरल यानी बहाने वाला और पूरा शरीर को संयोग करता है, तो तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है दायां और बायां अलिंद, यहाँ ध्यान दे दायां अलिंद और बायां अलिंद, तो दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होता है, इसी के द्वारा अलग नहीं हो रहा है, इसी द्वारा अलग नहीं हो रहा है, तो अलग कर रहा है तो उसको बोलेंगे अंतरा, क्या बोलेंगे, तो अंतरा अलिंद भित्ति है, क्या है, तो अंतरा अलिंद भित्ति। उसके बाद पूछता नीले के बारे में तो बोलते हैं अंतरा, क्या बोलते हैं, और नीले को अलग कर रहा है तो नीलय और ये भित्ति है तो अंतरा नीलय, नहीं पूछा इसके बारे में तो बोलेंगे अंतरा अलिंद भित्ति, समझ गया। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 31, कितना है 31, उस सिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त बहता है, तो हम जानते हैं कि सिरा में बहता है अशुद्ध रक्त, क्या बहता है, लेकिन बोला ओसन सिरा का नाम बताओ जिसमें शुद्ध रक्त बहता हो, तो फुफ्फुस सिरा, क्या हो जाएगा, बता दें तुम लोग को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, देखें यहाँ पर वैसा रक्त प्लाज्मा, वैसा रक्त प्लाज्मा, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें बोला रक्त लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC नहीं पाया जाता हो, RBC नहीं पाया तो क्या पाया जाता हो, WBC पाया जाता हो,
उसको क्या बोले थे, उसको बोले थे क्या, हम लिम्फ या उत्तक द्रव या लसिका, बताए थे, बताए थे तुम लोग को रक्त प्लाज्मा अति WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लिम्फ या उत्तक द्रव या लसिका कहते, बताए थे, यही हो जाएगा। नेक्स्ट तीन क्वेश्चन, तीन नाम है, चलो यहाँ ध्यान दो। अगला नंबर क्वेश्चन, रक्त का संचार, रक्त का ज़्यादा दबाव किस में होता है, बता, धमनी में कि सिरा में, तो बता जल्दी। तो रक्त किससे बहता है, शुद्ध रक्त धमनी से बहता है, और धमनी रक्त से कब, अति धमनी से रक्त कब बहता है, जब हृदय मारता धक्का, कस के मारता धक्का, तब ना पूरा शरीर में पहुँचेगा, तो पूरा शरीर में रक्त को पहुँचाना है, तो हृदय मारता धक्का कस के मारेगा, तो रक्त कहाँ जाएगा, धमनी में कहाँ जाएगा, तो धमनी से होकर पूरा शरीर में जाएगा, तो ज़्यादा दबाव किस में होगा, धमनी में कि सिरा में, धमनी में ज़्यादा दबाव होगा, तो होगा धमनी, क्या होगा, इसलिए हम लोग जो रक्त दाब मापते हैं ना, ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, वो धमनी में मापते हैं, किससे मापते हैं, महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं से, महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं से रक्तदाब को मापते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है, बताइए जल्दी, रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को किस उपकरण से मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, और हृदय के धड़कन को किससे मापते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय में जो होता है ना, हृदय में जो तालाबर संकुचन होता है, जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ फिल्म में जाता है ना, टू 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 होते रहता है, उसको किससे मापते हैं, उसको मापते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियो, और इसी को बोलते हैं ECG, क्या बोलते हैं, ECG क्या बोलते हैं, और कौन सा नोड के द्वारा होता, तो होता है SA नोड के द्वारा, SA नोड के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर, क्या बोलते हैं, पेसमेकर, बताए थे तुम लोग को। अगला लघुतरीय प्रश्न ध्यान दो, बोला जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें, परिभाषा लिखना, क्या लिखना है, तो परिवहन के तुम लोग को परिभाषा बहुत बार बताए थे ना, बताए तुम लोग को क्या बताए थे, कि बताए थे कि परिवहन तुम लोग को नहीं बताए थे, क्या बताए थे, आवश्यक पदार्थ को, क्या बताए थे, आवश्यक पदार्थ को उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर, उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुँचाना, शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुँचाना, तथा अनावश्यक पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकाल कर, कोशिकाओं से उस अंग तक पहुंचाना जहां से वो शरीर से बाहर निकल जाए, यानी शरीर से क्या हो, गेट आउट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, परिवहन, क्या कहते हैं, तो लिख हो गया, लिख देगा। दूर में क्वेश्चन ध्यान दे, पौधों में जाइलम वाहिनिया में जल का स्थानांतरण किस प्रकार के प्रकार होता है, तो जाइलम वाहिनिया में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो पौधों में जाइलम वाहिनिया में जल का स्थानांतरण किस प्रकार का होता है, तो बोलना है पौधों में जाइलम वाहिनिया से जल का स्थानांतरण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ना होता है, जड़ नीचे होता है, जल पानी को ग्रहण करता है तो ऊपर नहीं जाएगा, तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर किसके द्वारा, तो वाहिकाएँ एवं वाहिनी कायें के द्वारा, वाहिकाएँ एवं वाहिनी कायें के द्वारा, कैसे होता है, तो यहाँ ध्यान दे, कैसे होता है तो हमेशा तो सतत, देखिए यहाँ पर हमेशा कैसे होता है, तो सतत जल स्तंभ बनाएगा, सतत जल स्तंभ तो समझ लाए, लगातार एक क्या बनता है, पाइप में स्तंभ बनता है, यानी हमेशा लगातार पानी ऊपर जाते रहता है, क्यों, तो सतत जल स्तंभ के द्वारा, सतत जल स्तंभ के। तीन नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, मूल लोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुँचता है, तो मूल लोम कहाँ पाया जाता है, जड़ में, कहाँ पाया जाता है, और जड़ में क्या करता है, पानी ग्रहण करता है, किसके द्वारा ग्रहण करता है, जल के द्वारा, किसके द्वारा ग्रहण करता है, मूल लोम के द्वारा, मूल लोम के द्वारा, तो बोल रहा है मूल लोम की कोशिकाएं में जल कैसे पहुंचता है, जल कैसे, तो बोलना है मूल लोम की कोशिकाओं में जल जो है विसरण विधि के द्वारा पहुंचता है, विसरण विधि के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए, तो वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्व है, जल्दी बता, तो बताया था कि पेड़ पौधा के हरा भरा रहने के लिए, पेड़ पौधा को नहीं बताया थे, जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग घर में रहते हैं ना, पंखा चल रहा है, आराम से घर में बैठे हैं, हम छाव में बैठे हैं, लेकिन पेड़ पौधा कहाँ रहता है, धूप में, कहाँ रहता है, अब बताओ, वो ज़्यादा पानी नहीं पिएगा तो मरियल जाएगा, तो ज़्यादा पानी पिएगा उसका, जितना पानी निकालेगा उतना पानी पिएगा, तब ना वो सूखता ना है पेड़ पौधा धूप में भी, लेकिन हम लोग अथी, तो पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है, तो लिखना है पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन इसलिए जरूरी है कि क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पेड़ पौधा हमेशा हरा भरा बना होता है, वो धूप में सूखने से बच जाता है, वो धूप में सूखने से बच जाता है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, एक दिशीय एवं दू दिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है, तो एक दिशीय में क्या बताए थे एक दिशीय में, यानी बताए थे लिखना है पौधे में जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, जिसे एक दिशीय कहते हैं, सर एक दिशीय
लेकिन खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है, जिसे द्विदिशीय कहते हैं, जिसे द्विदिशीय, तो यही अंतर लिखना है। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बोला लाल रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन वाहक है कैसे? तो लाल रक्त कोशिकाएँ क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। क्यों ले जाता है? तो बोला लाल रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन वाहक है कैसे? तो लिखना है लाल रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन वाहक है इसलिए क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएँ में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है बता के क्या आगे जो बोलना है बोलना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, तो एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को पकड़ता है, कितना ऑक्सीजन को पकड़ता है, चार को पकड़ता है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि लाल रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन वाहक है कैसे? लिखा है लाल रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन वाहक है इसलिए क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट 7 नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाएँ लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? बताना कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ और लाल रक्त कोशिकाएँ क्या बोल रहा है, श्वेत रक्त कोशिकाएँ और लाल रक्त कोशिकाएँ में कैसे एक दूसरे से भिन्न है, कैसे एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे से अलग है? तो लिखना है कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उसमें, हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता जिसलिए वो रंगहीन होता है, क्या होता है? लेकिन लिखना है कि लाल रक्त कोशिकाएँ में, लाल रक्त कोशिकाएँ में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पहला अंतर ही हो गया। दूसरा अंतर क्या लिखना है कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ की संख्या काफ़ी कम होती है, काफ़ी, जबकि लाल रक्त कोशिकाएँ यानी आरबीसी संख्या काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी। और तीसरा अंतर क्या लिखना है कि लाल रक्त कोशिकाएँ का आकार निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएँ का आकार निश्चित नहीं होता है। फिर बताया था तुम लोगों को क्या कि लाल रक्त कोशिकाएँ में जो होता है उसमें दिमाग नहीं होता, दिमाग बोले तो केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक, तो लिखना है आरबीसी में यानी लाल रक्त कोशिकाएँ में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिर लिखना है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, इतना अंतर लिख देना है, हो गया। अगला, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? रक्त पट्टिकाणु बोले तो थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बोले तो जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं? तो बोला रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? तो लिखना है रक्त पट्टिकाणु की क्या बताए थे, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व बताए थे? तो बताए थे तुम लोगों को रक्त पट्टिकाणु जो होता है ना ये खून का थक्का जमाता है, क्या करता है, खून का थक्का को जमाता है, खून का थक्का को जमाता है। तो बोलना है कि रक्त पट्टिकाणु का हमारे शरीर में इसलिए महत्व है क्योंकि यह हमारे ब्लड को जब कहीं हमारा शरीर कट जाता है तो ये खून के थक्का को जमाने में मदद करता है, खून के थक्का को जमाने में, जिससे रक्त का बहाना बंद हो जाता है, रक्त का बहाना बंद हो जाता है, एक अंतर ही ले लेना है। और ये हमें डेंगू से बचाता है, बताए थे ना, डेंगू बुखार से बचाता है। अगला, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें, तो धमनी और शिरा में अंतर लिखना है, तो क्या बताए थे, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, बताए थे, लिखना है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, पहला अंतर ही हो गया। दूसरा अंतर क्या लिखना है कि धमनी के जो पाइप होता है ना उसका दीवार थोड़ा मोटा होता है, क्यों मोटा होता है, उसमें शुद्ध दाब ज़्यादा पड़ता है ना, पड़ता है, जबकि शिरा के दीवार पतला होता है, शिरा का दीवार क्या होता है, पतला होता है, क्या होता है, पतला होता है, समझ आ गया ना, तो यही अंतर लिख देना। अगला, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है, रक्त का द्विगुण परिवहन का, तो क्या होता है कि रक्त को एक चक्कर लगाने के लिए, रक्त को एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक दायां वाला भाग से और एक बायां वाला भाग से, हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसी परिवहन को हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। तो लिखना है क्या, रक्त को एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इस परिवहन को द्विगुण परिवहन कहते हैं, हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखें, भेदों में तो समझ रहा है, अंतर लिखना है, क्या लिखना है, तो तुम लोग को जाइलम और फ्लोएम अंतर बताए थे ना, बताए थे, क्या बताए थे, पहला अंतर बताए थे कि जाइलम जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, बताए थे, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या बताए थे कि जाइलम की कोशिकाएँ मरा हुआ होता है यानी मृत होती है, क्या होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएँ सजीव होता है यानी जीवित होता है, क्या होता है। तीसरा अंतर तुमको बताए थे कि जाइलम, क्या बताए थे कि जाइलम में जल एवं खनिज लवण का परिवहन एक दिशा में होता है यानी एक दिशिक होता है, क्या होता है, लेकिन फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशिक होता है यानी ऊपर नीचे दोनों होता है, तो द्विदिशिक होता है, क्या होता है। फिर तुमको बताए थे कि जाइलम में पाए जाने वाले कोशिकाओं को वाहिकाएँ एवं वाहिनिकाएँ कहते हैं, बताए थे, जबकि फ्लोएम में पाए जाने वाले कोशिकाओं को चालनी नलिकाएँ कहते हैं, बताए थे, तो इतना 4 अंतर बता दिए, लिख देना है, हो जाएगा। अगला, लंबे वृक्ष में पूरे ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, जल कैसे, यानी लंबा जो वृक्ष होता है जैसे लिप्टस को देखते हैं ना, आम के पेड़ हो गया, पेपर हो गया, ऐसा लंबा वृक्ष है, नारियल उजर हो गया, ऐसा लंबा वृक्ष है ना,
इसमें जो पानी है नीचे से ऊपर कैसे जाता है? तो क्या बोलना है कि बोला कि लंबे वृक्ष में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है? तो बोला लंबे वृक्ष में पूरी ऊंचाई तक जल चढ़ने के लिए संवहन ऊतक होता है जिसका नाम है जाइलम ऊतक। जिसका नाम है जाइलम ऊतक में वाहिकाएँ एवं वाहिनी कहाँ पाई जाती है? वाहिकाएँ एवं वाहिनी जिसके द्वारा सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। सतत जल स्तंभ का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि सतत जल स्तंभ का निर्माण तब होता है जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और मूल दाब अधिक होता है। मूल दाब तो वाष्पोत्सर्जन एवं मूल दाब के द्वारा सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है जिसके कारण लंबे वृक्षों में पूरी ऊँचाई तक जल चढ़ता है। पूरी ऊँचाई तक जल, ये लिख देना है, ठीक है ना। अगला है, पौधे में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? बोरा पौधों में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन जो होता है वो कैसे संपन्न होता है? सचित्र वर्णन के, सचित्र यानी वो चित्र बना देना है। पौधा क्या बना देना? एक पौधा का चित्र बनाना है। क्या बनाना है? ऐसा देखो, तुम लोग किताब में बना हुआ है। ये वाला चित्र देख रहा है? ये दिख रहा है, ये बनाना है, ठीक है ना। ये वाला चित्र इधर जो है, इधर वाला इधर देख रहा है ना। अरे बता, ये वाला फ्लोएम वाला, फ्लोएम यही है ना, ये वाला। तो लिखना है, यहाँ बोल रहा है क्या? यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। यहाँ ध्यान दे, पौधे में खाद्य पदार्थ के परिवहन किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है? यानी पूछ रहा है कैसे होता है, बताना था। बोले लिखना है, पौधे में खाद्य पदार्थ का संचरण संवहन ऊतक के द्वारा होता है। जो संवहन ऊतक के द्वारा, संवहन ऊतक का नाम क्या है? फ्लोएम ऊतक। क्या है? यानी लिखना है, पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण संवहन ऊतक के द्वारा होता है जिस ऊतक का नाम है फ्लोएम ऊतक। जिस ऊतक का नाम है फ्लोएम ऊतक के, फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिकाएँ पाए जाते, चालनी नलिकाएँ और चालनी नलिकाएँ में पाए जाने छिद्र के द्वारा, चालनी नलिकाएँ पाए जाने वाले छिद्र के द्वारा खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। और पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण द्विदिशिक होता है। क्या होता है? द्विदिशिक यानी ऊपर दिशा और नीचे दिशा दोनों होता है। तो लिखना है, द्विदिशिक होता है, और पूरा चित्र बना देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो दोनों को रक्त के बारे में पढ़ाए थे ना, जो पढ़ाए थे वही लिख देना, जो पढ़ाए थे वही ना। तो रक्त के बारे में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे रक्त के बारे में? जो पढ़ाए थे टोटल लिख देना है। बोला रक्त के संरचना का वर्णन करें, रक्त की संरचना का रक्त कैसा होता है मनुष्य के शरीर में वो बताना है। रक्त कैसा होता है मनुष्य के शरीर में वो बताना है। क्या करना है? वो बताना है। तो कैसे बताना है? तो रक्त के बारे में तुम लोग क्या बताए थे कि रक्त के बारे में बताए थे तुम लोग को रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक बताए थे। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी उसको बताए थे। बताए थे इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका संरचना बताए थे दो भाग में, बताए थे एक बताए थे द्रव वाला भाग, इसको बोले थे प्लाज्मा। क्या बोले थे? प्लाज्मा। एक बताए थे ठोस वाला भाग, क्या बताए थे? ठोस वाला भाग, ठोस वाला भाग। प्लाज्मा बताए थे कितना? ए पगली ओए, यहाँ बता रहे, यहाँ ध्यान दे, 55%। कितना बताए थे? और तो कितना बच गया? 45%। फिफ्थ में बताए थे प्लाज्मा में बहुत सारा भाग पाया जाता है। प्लाज्मा में पानी जो होता है ना, पानी कितना होता था? प्लाज्मा मान लो 100% हो जाएगा, 90% कितना हो जाएगा? प्लाज्मा में पानी बताए थे 90%। कितना बताए थे? प्रोटीन बताए थे 60%। कितना बताए थे? 60% बताए थे, नहीं बताए थे तुम लोग को? प्रोटीन कितना बताए थे? फिर ग्लूकोज कितना बताए थे? ग्लूकोज कितना बताए थे? ग्लूकोज बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है? पहले देखें यहाँ पर, वो कार्बनिक पदार्थ, क्या बताए थे? चलो ग्लूकोज लिखते हैं पहले, ग्लूकोज क्या बताए थे? ग्लूकोज कितना बताए थे? 0.9%। 0.9। फिर बताए थे तुमको कार्बनिक पदार्थ, क्या बताए थे? और कार्बनिक पदार्थ कितना बताए थे? तो 0.18% बताए थे। फिर बताए थे वसा, क्या बताए थे? वसा कितना बताए थे? 0.5% बताए थे। फिर बताए थे यहाँ पर हो गया कार्बनिक, तब लिखेंगे कार्बनिक, क्या लिखेंगे? कार्बनिक पदार्थ कितना बताए थे? तो जो बच गया वो क्या है? यानी शेष हो गया कार्बनिक पदार्थ, इसका बारे में लिख दिए, बारे में लिख दिया। फिर बताए थे प्रोटीन 3 प्रकार का होता, बताए थे? ये बताए थे फाइब्रिनोजिन, क्या बताए थे? फाइब्रिनोजिन, क्या बताए थे? फाइब्रिनोजिन। फिर एक बताए थे क्या? ये बताए थे प्रोथोम्बिन, क्या बताए थे? प्रोथोम्बिन, क्या बताए थे? और एक बताए थे क्या? एक बताए थे तुम लोग को हिपेरिन, क्या बताए थे? हिपेरिन। प्लाज्मा बने पूरा हो गया ना। फिर ठोस भाग में, ठोस भाग बताए थे 3 गो, कितना बताए थे? ये बताए थे RBC, क्या बताए थे? RBC बोले तो लाल रक्त कोशिका है। फिर एक WBC, WBC बोले तो श्वेत रक्त कोशिका है।
और ये बोले थे प्लेटलेट्स, क्या बोले थे? प्लेटलेट्स को ही बोले थे क्या? रक्त पट्टिकाणु, क्या बोले थे? या रक्त बिंबाणु, या क्या बोले थे? या इसी को बोले थे थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोले थे? इसके बारे में लिख देना है, तो इसका संरचना वर्णन कर दिए ना, इतने लिख देना है, इस संरचना इसका हो गया। चलो अगला ध्यान दो। अगला बोला कि मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र तुमको बनाने के लिए बताया, देखिए यार बचपन में बना था, उसका चित्र बनाया, क्या करना है? हमारे कहता जो पिक्चर है जो किताब में बना हुआ है, चित्र बनाना है, क्या करना है? चित्र बनाने जानते हैं तुम लोग? क्या बोल रहा है? मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। स्वच्छ नामांकित चित्र क्या करना है? चित्र बनाना है, क्या बनाना है? चित्र बनाने के लिए कोई नहीं करना है, पढ़ाशन ऐसे करना है, कर दिए, कर दिए, कर दिए ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कर देना है, कर दिए, इसको इस तरह कर देना है, हो गया, इसको ऐसे कर देना है, हो गया, बन गया हृदय, नहीं बना हृदय, बना बना देना। अब बोला कि इसके बारे में आप नाम लिखना, क्या करना है? बोला मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, और वर्णन क्या आवश्यकता नहीं, वर्णन क्या आवश्यकता, यानी बोला इसके बारे में वर्णन नहीं करना है, कैसे से होता है, खाली नाम लिख देना, क्या करना है? तो नाम लिखो, बताए थे यहाँ पर एक सीरा होता है, बताए थे जिससे क्या होता है, जिससे ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड आता है, बताए थे यहाँ दो सीरा होता है, बताए थे जिससे अशुद्ध ब्लड क्या होता है, ये आगे वाला सीरा को बोलते हैं महाशीरा, क्या बोलते हैं? महाशीरा, इसका भी नाम महाशीरा, इसका भी नाम महाशीरा, बताए थे। ये आगे वाला भाग को बोलेंगे अग्र महाशीरा, क्या बताएंगे? और पीछे वाला भाग को बोलेंगे पच महाशीरा, बताए थे। लेकिन उससे पहले हमको बताया था क्या कि ऊपर वाला भाग अलिंद, नीचे वाला भाग नीला, ऊपर वाला भाग अलिंद, नीचे वाला भाग नीलय, बताया था तुम लोग को। तो ये हो गया क्या, ये दायां साइड में है, तो ये हो गया दायां अलिंद, ये क्या हो गया? दायां अलिंद, नाम लिख देना है। ये बायां साइड में है, इसका नाम लिख देना है इस तरह मार के तीर, ये क्या हो गया? दायां अलिंद, ये क्या हो गया? दायां अलिंद, दायां अलिंद, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया बायां अलिंद, क्या हो गया? बायां अलिंद, बायां, सबका नाम नाम लिख देना है, ठीक है ना? पांच नंबर दाट मिल जाएगा, फिर यहाँ ध्यान दे, नीचे वाला नीले, नीचे वाला नीला, तो ये हो गया कौन नीलय? दाया नीलय, कौन नीलय हो गया? दाया नीलय, क्या हो गया? और ये बायां साइड है तो बाया नीलय, क्या हो गया? बाया नीलय, नाम लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ से खून क्या हुआ, पूरा शरीर से अशुद्ध खून यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा? दाया अलिंद में, और दाया अलिंद से फिर यहाँ, दाया अलिंद से दाया नीलय में, दाया अलिंद से दाया जाने के लिए क्या है, यहाँ पर एक छेद है, उस छेद को क्या बोलते हैं? छेद को बोलते हैं त्रिदलीय कपाट, क्या बोलते हैं? उस छेद को बोलते हैं त्रिदलीय कपाट, क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट, क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट। अभी छेद के द्वारा क्या होता है, यहाँ ब्लड आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, कहाँ जाएगा? फेफड़ा में, तो फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए पाइप चाहिए ना, तो यहाँ से एक पाइप निकलता है, क्या निकलता है? यहाँ से क्या निकलता है? एक पाइप निकलेगा, क्या निकलेगा? एक पाइप निकलेगा, बताया जाए तुम लोग को, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से क्या निकलता है? पाइप, क्या निकलता है? यहाँ से क्या निकला था? एक पाइप, क्या निकला था? पाइप निकला था, क्या निकला था? उस पाइप से क्या होता था? उस पाइप से यहाँ से रक्त कहाँ जाता था? ए बंदर, दाया नीलय से कहाँ रक्त जाता था? पाइप में जाता था, जाता था, और इस पाइप से कहाँ जाता था? फेफड़ा में, कहाँ जाता था? इस पाइप का नाम क्या बताए थे? तीरथ को, इस पाइप का नाम बताया था धमनी, क्या बताए थे? लेकिन कौन धमनी? तो फुफ्फुस धमनी, बताए थे कौन धमनी? फुफ्फुस धमनी, कौन धमनी? तो फुफ्फुस धमनी में कौन रक्त? अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पर आप खून इधर से लौट नहीं, ब्लड इधर से लौट नहीं जाए, उसके लिए क्या है? इसके इसके मुख पर क्या होता था? इसके मुख पर चांद के आकार का, चांद के आकार का एक एक क्या था? ढक्कन होता था, क्या होता था? जिसको क्या बोलते, उसको बोलते बोले थे अर्धचंद्राकार बाल्ब, क्या बोले थे? अर्धचंद्राकार, तो इसका नाम लिख देना यहाँ पर अर्धचंद्राकार बाल्ब, क्या लिखना है? अर्धचंद्राकार बाल्ब लिख देना है। अब कहाँ चल गया ब्लड? चल गया फेफड़ा में, कहाँ चल गया? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में चल गया है, और फेफड़ा में जाके शुद्ध हो गया है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिल गया है। अब जब शुद्ध हो गया तो कहाँ आएगा? फिर हृदय में आएगा। हृदय किसके द्वारा आएगा? तो पाइप के द्वारा आएगा। अब हृदय में कौन भाग में शुद्ध होगा? तो यही भाग में शुद्ध होगा ना, इधर तो शुद्ध हो गया ना, इधर होगा शुद्ध, क्या होगा? तो इसमें शुद्ध रक्त आएगा, इसमें शुद्ध रक्त, तो जो पाइप के द्वारा आएगा, तो यहाँ एक पाइप लगा, क्या बोले थे? उसको बोला फुफ्फुस सीरा, क्या बताए थे? यानी फुफ्फुस सीरा में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त, कैसा रुक्त? तो फुफ्फुस सीरा के द्वारा कहाँ पहुँच गया? दायां नीलय में, सॉरी दायां अलिंद में, बायां अलिंद में, बायां, और बायां अलिंद साहब कहाँ जाएगा? बायां नीलय में। तो यहाँ जाने के लिए छेद है ना, इस छेद को क्या बोलेंगे? इस छेद को बोलेंगे द्विदलीय कपाट, क्या बोलेंगे? द्विदलीय कपाट, द्विदलीय
कपाट बोल दिए। अब यहाँ पर सुदरत पहुँच गया, अब यहाँ से क्या मारेगा, धक्का मारेगा और पूरा शरीर में चल जाएगा, पूरा शरीर में सुदरत। तो यहाँ धक्का मारेगा तो उसको निकालने के लिए पाइप चाहिए ना, तो यहाँ एक पाइप होता है। यहाँ पर क्या होता है बता दो तुम लोग को, यहाँ पर क्या होता है, एक पाइप होता है, क्या होता है, एक पाइप होता है। उस पाइप को नाम बोलते हैं महाधमनी, क्या बोलते हैं, महाधमनी, बताए थे। और महाधमनी के यहाँ पर एक ढक्कन होता है कि खून इधर लौट ना जाए, तो ढक्कन को क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व, क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व, क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व बोलते हैं। सब देखो इतना चिता सबके बारे में लिख दिए न, लिख दिए तो यही बनाना, इस तरह पिक्चर बना देना है, बन जाएगा तुम लोग से। अरे बनेगा रे बंदर, अब बोला कि वर्णन का सत्ता नहीं है, यानी इसके बारे में आप कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है, कैसे कैसे जाता है वो लिखने का सत्ता नहीं है। अगला देख, अगला बोल रहा है कि मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करे, समझ रहा है ना, यानी बोल रहा है कि मनुष्य के हृदय का, हृदय तो बनाना ही है, नाम लिखना ही है, लेकिन इसका इसका क्या करना है, इसका पूरा वर्णन करना है, यानी पूरा इसके बारे में भी लिखना है, क्या लिखना है, कैसे तो कैसे लिखना है इसके बारे में, तो हम बताते क्या कि मनुष्य क्या है, क्या बोल रहा है, मनुष्य की संरचना का सचित्र वर्णन करे, मनुष्य की संरचना का सचित्र, यानी मनुष्य का संरचना, हृदय का संरचना कैसा है उसके बारे में लिखना है। तो क्या लिखना है, कि लिखना है मनुष्य का हृदय चार व्यस में होता है, मनुष्य का हृदय में इस चित्र बना देना है, नाम लिख देना है, और जो हम बोल रहे हैं कि संरचना कैसा है, संरचना उसके बारे में लिख देना है, उसके बारे में संरचना के बारे में लिखना है, काम कैसे करता है उसके बारे में नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संरचना के बारे में लिखना है, यानी कैसा नहीं दिख रहा है वैसा लिखना है, वैसा लिखना है कि मनुष्य के हृदय में चार व्यस में होता है, चार व्यस, चार व्यस, एक बायां दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, लिख दिए, चार बेस में पाया जाता है, चार बेस में पाया जाता है, लिख दिए। उसके बाद लिखना है कि मनुष्य में अशुद्ध रक्त, मनुष्य में अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा द्वारा, अग्र महाशिरा द्वारा हृदय के बायां अलिंद में आता है, लेकिन हृदय के बायां अलिंद में आया आता है, बायां अलिंद में आता है, ठीक है ना। फिर बायां अलिंद से, बायां अलिंद से, बायां, बायां अलिंद और बायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीलय, एक छिद्र के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा, कौन छिद्र के द्वारा, त्रिदलीय का पाठ के द्वारा, त्रिदलीय यानी एक छिद्र के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है, उस छिद्र को हम बोलते हैं क्या, उस छिद्र को बोलते हैं अलिंद नीलय छिद्र, ये अलिंद हो गया, ये नीलय हो गया, तो बोलना है कि बायां अलिंद, सॉरी दायां है ना, दायां अलिंद और दायां नीलय, दायां अलिंद और दायां नीलय छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है, उस छिद्र को बोलते हैं दायां अलिंद नीलय छिद्र। फिर लिखना है दायां अलिंद नीलय छिद्र के मुख पर एक कपाट पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट कहा जाता है, त्रिदलीय कपाट। फिर अच्छी किसको नहीं है, क्या है, दाया दाया नीले, क्या है, दाया नीले से, दाया नीले से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को जाने के लिए एक पाइप होता है, एक पाइप, एक धमनी होता है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। फिर फेफड़ा जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय में आने के लिए, हृदय में आने के लिए एक सिरा होता है, क्या होता है, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा, क्या बोलते हैं। फिर ये बोलना है कि बायां अलिंद से बायां नीलय, बायां अलिंद से बायां नीलय में जाने के लिए, जाने के लिए एक छिद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, बायां अलिंद नीलय छिद्र, बायां साइड में है ना, तो बोल दिए बायां, क्या बोल दिए, अलिंद से नीलय जा रहा है तो अलिंद नीलय छिद्र, अगर दायां रहता तो बोलते दायां अलिंद नीलय छिद्र, तो बायां साइड में है तो बायां अलिंद नीलय छिद्र, बायां अलिंद नीलय छिद्र होता है, बायां नीलय। फिर बायां नीलय से, बायां नीलय से शुद्ध रक्त को पूरा शरीर में जाने के लिए एक पाइप होता है, एक धमनी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, महाधमनी, क्या बोलते हैं, महाधमनी। कौन सी ग्राम करना है, उधर रहा, उधर रहा, तो नहीं देखा पाया, कम रिकॉर्डिंग होगी, बस ग्राम करना की है, लोग थोड़ा ए बंदर, तो क्या क्या बताते हैं, बताते हैं मनुष्य के हृदय के संरचना का वर्णन करना, बताए थे ना, क्या बताते हैं, मनुष्य के हृदय में चार व्यस होता है, कितना व्यस होता है, चार व्यस होता है, ऊपर वाला भाग को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाला भाग को नीलय बोलते हैं, ऊपर वाला भाग को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाला भाग को, चार व्यस का नाम लिख देना है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, चारों व्यस का नाम लिख देना है, लिख देना है चारों व्यस का नाम, चारों व्यस का नाम लिख देना है। फिर क्या लिखना है कि यहाँ पर क्या लिखना है, फिर कि दायां अथि यहाँ पर दायां अलिंद दायां नीलय एक छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, दायां अलिंद नीलय छिद्र, दायां अलिंद नीलय छिद्र, दायां अलिंद नीलय छिद्र, और इसके मुंह पर एक कपाट पाया जाता है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट, क्या बोलते हैं। फिर यहाँ से अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाने के लिए एक बाहनियाँ होता है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी के मुँह पर एक ढक्कन होता है, इसको क्या बोलते हैं,
एक अर्धचंद्राकार, एक चंद्राकार बाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्धचंद्राकार बाल, क्या बोलते हैं अर्धचंद्राकार बाल। फिर यहाँ से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त के आने के लिए एक बाहनिया होता है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, क्या बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। उसके बाद फिर यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखना है कि बाया अलिन से बाया नीले में जाने के लिए एक छिद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं बाया अलिन नीले छिद्र, बाया अलिन नीले छिद्र, बाया अलिन छिले के छिद्र के मुख पर एक कपाट होता है, इसको क्या बोलते हैं द्विदलीय कपाट, क्या बोलते हैं द्विदलीय कपाट। फिर बाया नीले से ब्लड को जाने के लिए एक बाहनिया होता है, इसको बोलते हैं महाधमनी, क्या बोलते हैं महाधमनी के मुख पर एक अर्धचंद्राकार आकृति होता है, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार बाल, अर्धचंद्राकार बाल। तो यही इसके संरचना के बारे में लिखना है, ठीक है ना। अगला क्या है, मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि को समझाए, क्रियाविधि को, क्रियाविधि तो समझ रहा है ना कि कैसे कैसे काम करता है वो बताना। अभी संरचना के बारे में पूछा था, तो संरचना बताया था कैसे कैसे इसमें क्या क्या है, वो संरचना बता दिए। संरचना क्या बताना, समझ रहा है ना कि क्या क्या इसमें है, यानी कैसे इसका रचना है उसके बारे में बताना। बोला क्रियाविधि, क्रिया यानी काम कैसे करता है, काम कैसे, तुम्हारा पूछेगा संरचना तो क्या बोलेगा कि दो गो आँख है, दो गो कान है, दो गो नाक है, एगो नाक है, दो गो हाथ है, दो गो पैर है, एगो पलका को पेट है, नहीं लिखेगा। यह संरचना है, क्या है ये, क्या है संरचना, ये क्या हो गया संरचना, यानी तुम जो तुम ए बंदर तुम्हारे अंदर जो दिख रहा है वो क्या हो गया संरचना, क्या हो गया। अब पूछेगा तुम्हारा क्रियाविधि को लिखो, क्रियाविधि को तो तुम क्या क्या काम करता है वो लिखना है, समझ रहा है ना, यानी सुबह से उठकर शाम तक तुम क्या क्या काम करता है वो लिखना है, ललपनी करता है कि क्या करता है वो सब लिखना है, समझ रहा है ना। अगर ना तो सब नहीं करता है तो क्रियाविधि समझ गया ना। संरचना क्रियाविधि अलग होता है, संरचना क्रियाविधि क्या होता है अलग, क्रियाविधि मतलब क्या क्या काम करता है, क्या क्या सुबह सुबह उठता है, मुँह ना धोता है, खा लेता है, नहाता वहाता है कि नहीं, सब क्या होगा क्रियाविधि, सब क्या हो गया क्रियाविधि। अरे बंदर तो बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि को समझाए, क्रियाविधि को यानी कैसे काम करता है, कैसे काम तो लिखना है क्या, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का केंद्रीय पंप की तरह काम करता है, केंद्रीय पंप की तरह काम करता है, मनुष्य का हृदय केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। उसको लिखना है कि मनुष्य के हृदय में शरीर से अशुद्ध रक्त को, शरीर से अशुद्ध रक्त को शिरा के द्वारा मनुष्य के दायां अलिंद में पहुँचता, दायां अलिंद में शिरा से होते हुए महाशिरा के द्वारा मनुष्य के दायां अलिंद में पहुँचता, दायां अलिंद में फिर ये अशुद्ध रक्त दायां अलिंद से दायां नीले में पहुँचता, दायां नीले में फिर ये अशुद्ध खून दायां नीले से शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में चला जाता है, फेफड़ा में जाकर रक्त में मिला हुआ CO2 फेफड़ा से बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है, जब ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है तो रक्त क्या हो गया शुद्ध, क्या हो गया फिर हुआ शुद्ध रक्त, फिर हुआ फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां नीले में पहुँचता है, सॉरी बायां अलिंद में पहुँचता है, बायां अलिंद में, और फिर वो रक्त शुद्ध रक्त बायां अलिंद से बायां नीले में पहुँचता है, बायां नीले में पहुँचता है, और बायां नीले से फिर हुआ शुद्ध रक्त, बायां नीले से फिर हुआ शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा पूरा शरीर में फैल जाता है। पूरा शरीर में क्या होता है कि हृदय इसी तरह काम करता है, जिस तरह लिखा है पूरा शरीर में फैल जाता है, और फिर हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं, जबकि हृदय के फैलना यानी शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रकार रक्त का परिसंचरण यानी रक्त को एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है, जिसे हम द्विगुण परिवहन कहते हैं, द्विगुण परिवहन ये लिख देना है, समझ आ गया तुम लोग को। तो पूरा क्वेश्चन से क्या हुआ समाप्त, क्या हुआ, और कल तुम लोग को पूरा बन के जाना है, समझ आ गया ना, एक से लेकर हम जिस तरह बताए थे ना, ए बंदर क्या बोले थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इधर उतरे प्रश्न को जिस तरह बोला था उस तरह पूरा रन लिख देना, लिख देगा तुम लोग को लिखा जाएगा। तो कल हम क्वेश्चन से पूरा बन करना चाहिए, नहीं बनेगा तो मेरा वीडियो रोक रोक के क्या क्या बोले थे लिख लेना, जब बनते बना ले पूरा बन जाएगा, बनेगा रे, और तुम लोग भी ऑनलाइन वाला भी बना लेना, और कल लेकर आना हिस्ट्री, क्या लेकर आना, हिस्ट्री में Chapter 1 पढ़ा दिए थे, ज्योग्राफी में Chapter 1 पढ़ा दिए, पॉलिटिकल में भी Chapter 1 पढ़ा दिए, और इकोनॉमिक्स में भी Chapter 1 पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो कल हिस्ट्री लेकर आना, Chapter 2 स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे Chapter 2 स्टार्ट करेंगे। Chapter 2 क्या है, Chapter 2 है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है, तो करके आना।